नमस्ते, आप सभी को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि इस समय नवरात्रि चल रही है और माता रानी का दिन चल रहा है और हमारा भी 9 दिन का फास्ट चल रहा है, व्रत है, और आज माता रानी का 4th दिन है, तो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जयकारा लगाते रहिए प्रेम से माता रानी का, सुबह शाम दिया बत्ती अगरबत्ती करिए। और हमारा भी 9 दिन का फास्ट है, व्रत है, तो बस अभी सवेरे हमने चाय वगैरह थोड़ा सा मखाना लिया था, खाया, और उसके बाद महुआ हमने उबाला था, महुआ और दही खाया है, और अभी मैंने चाय पिया है। और आज बनाने जा रही हूँ मैं, ये लौकी है, घिया आप लोग क्या बोलते हैं, हमारे तरफ लौकी बोलते हैं, तो इसका मैं आज बनाने जा रही हूँ हलवा। और ये हलवा क्यों बना रही हूँ, व्रत में भी काम देगा और मेरे बड़े वाले बेटे को ना बहुत पसंद है लौकी का हलवा, तो बस मैंने 3 मंगाए हुआ है क्योंकि मैं सबके लिए बनाऊँगी। तो ये गोल वाली लौकी है, तो आप क्या जो भी लौकी मिले आप उसको भी ले सकते हैं, पर हमारे तरफ गोल मिली है तो मैं गोल ही लौकी मंगाई हूँ। तो अभी इसको अच्छे से मैं छीलूंगी और काटूंगी, उसके बाद धोऊंगी और इस कद्दूकस से कद्दूकस करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं कैसे बनाती हूँ तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, तो आप लोग भी बनाना व्रत के समय और अपने पूरे घर परिवार को आप खिलाइएगा लौकी का हलवा, और बहुत ही टेस्टी लगता है। मिलता तो बाज़ार में भी है, पर जो आप अपने घर में बनाएंगे ना अपने हाथ से उसकी कुछ बात ही दूसरी होती है। और इधर मेरी वीडियो नहीं आ रही थी तो मैं कुछ प्रॉब्लम में थी, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और इस समय जानते हैं व्रत भी चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि घर की भी जिम्मेदारियां हो जाती हैं और व्रत भी, तो नहीं हो पा रहा है कि मैं कोई वीडियो शूट कर पाऊँ। और अभी मैं जाऊँगी दर्शन करने, 9 देवियों का दर्शन करने, तो आप लोगों को ज़रूर देवियों के दर्शन कराऊँगी, वीडियो बनाऊंगी, यदि मौका मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों को भी अपने करवी चित्रकूट की देवियों का दर्शन कराऊंगी, तो आप लोग ज़रूर कर लेना। तो चलिए इसको हम पहले काट लेते हैं, छील लेते हैं और काट लेते हैं, धो करके अच्छे से काट लेते हैं, और फिर आपको हम शेयर करेंगे कि हम कैसे इसका हलवा बनाते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने लौकी ले लिया है, और मैंने लिया है गोल लौकी, और आप चाहो तो लंबी लौकी भी ले लो, और बहुत ही टेस्टी बनता है लौकी का हलवा, घिया का हलवा जो है, आप ज़रूर अपने व्रत में भी बना करके खाएं और अपने घर परिवार को भी। आप त्यौहार जैसे कि चल रहे हैं, दशहरा आने वाला, दीपावली आना है, और या कोई मेहमान आ जाए फेस्टिवल पे, तो आप उनको भी बना करके ये लौकी का हलवा खिला सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको हम पहले छील लेते हैं, और छीलने के बाद इसको अच्छी तरीके से धोएंगे, और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप मेरे जैसे एक बार इस तरह लौकी का हलवा ज़रूर बनाइएगा, आप सच मानिए आप रेस्टोरेंट या होटल का आप भूल जाएंगे लौकी का हलवा, बिल्कुल ऐसे टेस्ट लगेगा कि जैसे आप होटल में बैठ करके लौकी का हलवा खा रहे हैं। मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने कहा, मेरे बच्चों का खाने का मन था, मेरे हस्बैंड ने कहा अरे मैं ला दूंगा मार्केट से, पर मेरे बेटे ने कहा नहीं मुझे खाना है घर में। मैंने कहा बेटा मैं ज़रूर बनाऊंगी और इतना टेस्टी बनाऊंगी कि आप होटल का खाना भूल जाओगे। तो हंस रहे थे, और सच में ना बहुत ही टेस्टी बनता है लौकी का हलवा। आप सबका अपना बनाने का तरीका अलग अलग होता है, पर आप ज़रूर मेरे इस तरीके से बनाइएगा, सच में बहुत ही टेस्टी लगेगा, और घर के लोग तो कटोरी चाट चाट के खाएंगे, सच में मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, तभी वीडियो को समझ में आएगा कि मैंने वीडियो में किस तरीके से लौकी का या घिया का हलवा बनाया है। तो चलिए ठीक है, आप देखिए, और यहाँ पर ये देखे, मैं मेरा लौकी छील गया था और उसके बाद मैंने उसको धो लिया, धोने के बाद मैं यहाँ पर ये कद्दूकस से कस रही हूँ। एक बात का ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो इसके अंदर के बिया होते हैं ना उसको मत घिसिएगा, केवल ऊपर ऊपर के जो होते हैं भाग उसी को आप घिसिएगा, और बीच का जो भाग होता है आप उसको रख दीजिए, चाहे तो आप सब्जी में यूज कर सकते हैं या इसका जूस भी निकाल करके आप पी सकते हैं। तो
क्योंकि बिया नहीं रहना चाहिए, बिया यदि होगा तो फिर लौकी का हलवा उतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो चलिए ठीक है, इसको हम घिस लेते हैं। और कैसे बनाएंगे तो आप वीडियो में हमारे बने रहिएगा, ज़रूर स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे, आधा अधूरा वीडियो देखेंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और ना ही आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे बनाया लौकी या घिया का हलवा। तो चलिए यहाँ पर हम घिस लेते हैं इसको, और अच्छे से इसको घिसेंगे। और इस अगर मान लीजिए बिया आपके उसमें लौकी के घिसने में चला जाता है, तो बिया आप निकाल दीजिए, क्योंकि बिया फिर खाने में अच्छा नहीं लगता ना, देखने में अच्छा लगता है। तो आज हम, क्योंकि मेरा इस समय चल रहा है 9 दिन का व्रत, फास्ट हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो सबके लिए मैं बनाती हूँ, तो सब लोग एक एक कटोरी खा लेंगे। तो तो यहाँ यहाँ पर पर हमने हमारा कद्दूकस कर लिया है पूरा हमारा जो है, और उसके बाद जो उसके बीच के भाग थे उसको हमने हटा करके रख दिया है। तो उसको या तो सब्जी बना लीजिए, या तो आप जूस निकाल लीजिए, या तो फिर फेंक दीजिए कोई, क्योंकि वो बिया का ही पार्ट होता है बीच में, तो इसलिए। और हलवा बनाते समय ज़रूर उसको निकाल दीजिए, सब्जी बनाते समय तो आप उसको काटते ही हैं। तो यहाँ पर चलिए हमारा कद्दूकस हो गया है, और मैंने दूध भी ले लिया है। तो दूध आज हम दूध एक्स्ट्रा ले आए हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का फास्ट चल रहा है। तो यहाँ पर मैं दूध 2.5 किलो लेकर के आई थी, और क्योंकि ये हलवे में भी लगेगा, और वैसे भी मखाना है या शकरकंद है इसमें, मतलब मिला करके हम दोनों लोग खाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने गैस में चढ़ा दिया है कढ़ैया, और इसमें मैं डालूँगी देसी घी। देसी घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो मैंने लौकी कद्दूकस किया था, इसको आप अच्छे से हाथों से इसके पानी को पूरा निकाल दीजिएगा। मैं वीडियो नहीं बना पाई, ध्यान उतर गया था शायद, लेकिन इसको दोनों हाथों से इसके जो पानी निकलते हैं एक्स्ट्रा, उसको आप निकाल के रख दीजिए। उसको चाहे तो आप पी भी सकते हो, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के लिए लौकी का जूस। लेकिन आजकल लौकी इतनी अच्छे तरीके से आती ही कहाँ है कि आप लोग उसका जूस पियो। सच में सब केमिकल वाले आ रहे हैं, इंजेक्शन वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैंने गोल लौकी मंगाई है, क्योंकि गोल लौकी क्या होती है, थोड़ी अच्छी होती है, और गोल लौकी की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने जो है घी ले लिया है, तो अभी मैं कढ़ैया में डालूँगी घी। और घी आप अपने अनुसार डालिए, अगर आपको घी ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा घी ज़्यादा डाल दीजिए, और थोड़ा सा अगर भुनने भर का डालना है तो आप थोड़ा सा केवल भुनने के लिए डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है, और अभी इसमें मैं इलायची नहीं डालूँगी। इलायची आप चाहो तो इसमें पहले भी डाल सकते हो, और जब लौकी आप भूनते हो तो आप ऊपर से भी डाल सकते हो, किसी भी तरह आप डाल सकते हो, पाउडर फॉर्म में डाल सकते हो, या इलायची को कूच करके भी डाल सकते हो। तो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, मैं लास्ट में डालूँगी। तो यहाँ पर मेरा घी गर्म हो गया है, तो अभी चलते हैं इस लौकी को इसमें हम डालते हैं, और इसको अच्छे से भूनेंगे, बहुत तेज़ आँच नहीं करेंगे। जब तेज़ आँच कर देंगे ना, तो क्या होगा, जल जाएगा। तो हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका पानी पूरा निकाल दिया है, हमको इसको केवल देसी घी में भूनना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, केवल इसकी नमी को निकालना है। और देसी घी से भूनने से इसमें लौकी के कसने जो मैंने कस के इसमें डाला है, उसमें अच्छे से इसमें टेस्ट आता है, मतलब सोंधापन आ जाता है। तो इसको हम गैस का फ्लेम धीमे ही रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मेरा ये लौकी अच्छे से भुन गया है। अभी इसका थोड़ा सा और मुझे इसका पानी निकालना है, मतलब पानी मतलब इसके पूरे मर जाए, एकदम सूखा रहे। और एक बात और बता दूँ, बहुत से लोग की शिकायत रहती है कि दूध डालने पर लौकी का हलवा फट जाता है, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मतलब ये हम भून रहे हैं, इसी समय में आप गुनगुना दूध इसमें डालिएगा जो है, तो आपका ये लौकी में जो दूध डालेंगे वो फटेगा नहीं। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं, और आप जिस हिसाब से बना रहे हो, जितना अपने घर परिवार के लिए बना रहे होंगे, उतना ही उसमें दूध आप डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने करीब 0.5 किलो तक दूध डाला है, थोड़ा शायद एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि हम सबके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको अच्छे से, अभी हम धीमे आंच में इसको अच्छे से भूनते हैं, मिक्स करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा,
अभी चीनी मत डालिएगा, क्योंकि बहुत सी लेडीजें होती हैं अभी चीनी डाल देती हैं। जब अभी चीनी डाल देंगे तो क्या है, चीनी और पानी छोड़ता है, तो ये पूरा मतलब ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा, तो अभी मत डालिएगा। जब आपका हलवा जान लीजिए कि अब रेडी होने वाला है, उतारना है, उसी समय में आप चीनी को डालिएगा। और जितना आपको कम मीठा पसंद हो, ज़्यादा पसंद हो, उस हिसाब से आप अपने घर परिवार के हिसाब से आप चीनी डालिए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा मतलब दूध हमारा पूरा एब्जॉर्ब्ड हो गया था हमारे लौकी में, तो अब हमने चीनी डाला है, क्योंकि अब ये हमको थोड़ा ही टाइम लगेगा मेरा लौकी का हलवा बनने में। तो चलिए यहाँ पे चीनी डालकर हम अच्छी तरीके से अब इसको मिला देते हैं। और सच में इतना टेस्टी था लौकी का हलवा, सबको, बच्चों को तो मेरे ख़ास तौर से बहुत पसंद है, बड़े वाले बेटे को लौकी का और गाजर का बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलिए इस समय आया हुआ है, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, उसको पसंद भी है, कहा मम्मी मुझे लौकी का हलवा बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, हम बनाते हैं। तो बस यहाँ पे हमने चीनी डाल दिया, अब इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे और धीमी आंच में इसको रख देंगे। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, छपटने ना पाए, गैस का फ्लेम आप बिल्कुल तेज मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा हलवा बन करके अब रेडी है। तो इसमें आप चाहो तो देसी घी भी डाल देना, मैंने डाल दिया था इसका पहले ही। और अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने डाल दिया है काजू, बादाम और किशमिश, और आपको जो पसंद हो आप वो ड्राई फ्रूट्स डाल देना। तो यहाँ पे मेरा लौकी का हलवा बन करके रेडी है, कैसा बना है तो ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा, नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, बनाइएगा ज़रूर, अपने घर परिवार को ज़रूर खिलाइएगा।